आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई हालातों पर चिंता। यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन, कई उठापटक जारी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने की एस जयशंकर से बात। यूक्रेन के मुद्दे पर सीसीएस की बैठक, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर कुशीनगर से है, जहां विधानसभा खंडा 329 में विशाल चुनावी जनसभा रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे। आपको बता दें, जनसभा को उद्बोधन करते हुए जेपी नड्डा ने सरकार के तमाम कार्यों और योजनाओं को गिनाया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील भी की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं, जिसको लेकर सभी परेशान हैं। भारत के कई छात्र वहां अभी भी फंसे हुए हैं। बता दें, बदायूं जिले के निवासी अंजुम ने जिलाधिकारी दीपा रंजन को प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र मोहम्मद अयास की घर वापसी की गुहार लगाई है। यही मदद मांगने आए सरकार, भारत आपकी बात हुई है क्या? जी बात हो रही है। खाने पीने की दिक्कत है वहाँ से, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं आ रहा है। क्या करने गया है आपका? पढ़ाई करने गया है वहाँ पर, डॉक्टर ही। वैसे तो अक्टूबर में गया था, मगर अब से 4 फरवरी गया था। शादी थी बहन की, तब आया था शादी में। यही कह रहे हैं डीएम साहब के, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, सब कुछ जो है बच्चे के लिए व्यवस्था करेंगे। जौनपुर में डिंपल यादव और जया बच्चन मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची, जहां प्रत्याशी के लिए डिंपल यादव ने प्रचार किया। डिंपल यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वालों को पता ही नहीं चला कि मौसम बदल चुका है। आप लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा को कोल्ड स्टोरेज में डालना होगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये बात कही और कहा कि जौनपुर में क्रिकेट खेला जाता है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, लेकिन बीजेपी सरकार गरीब लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। वहीं जया बच्चन ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनावी रुझानों के बीच जहां 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, तो वहीं 5वें चरण का आगाज हुआ है और बलरामपुर जनपद में 6ठे चरण में 3 मार्च को मतदान है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम झोंकने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच पर पहुंचते ही भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यापारी और युवा विरोधी सरकार है। सरकार अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई है कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई है। इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, वैश्विक महामारी, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। कि समाजवादियों ने जो किए थे, लैपटॉप जिसको भी मिले होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी बन रही होंगे। समाजवादियों का काम किया हुआ आज भी दिखाई दे रहा है।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के AIMIM पार्टी प्रत्याशी इरफान मलिक के समर्थन देने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा के दौरान भाजपा सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे यूपी में आने से अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगा है। कहते हैं ओवैसी ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। पिछले बार में हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा था। आप भूल गए महात्मा गांधी की लड़ाई को, उसी गुजरात की सरजमीन पर क्या किया था गांधी ने, कैसे हिम्मत हुई आपकी कि आप ये बात कहेंगे कि मेरा नमक खा रहे। आप किसका नमक खाकर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर गए? देश का नमक खाकर आप प्रधानमंत्री बने। ये देश का प्रधानमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है, कह रहा है कि नमक मेरा खा रहे। अरे तुम और हम सब देश का नमक खाते और खाते रहेंगे। अगर आप किसी को 500 रुपए का राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। किसी के बाप का पैसा गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, भारत सरकार का पैसा है। सरकार और भारत मोदी से बड़ा है, ओवैसी से बड़ा है। अगर आप 500 का राशन दे रहे हैं तो महिलाओं से कह रहे बहन जी 500 का लीजिए, 1400 का गैस का सिलेंडर खरीदिए। सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा में अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आयोजित इस जनसभा में सिद्धार्थनगर के पांचों विधानसभाओं के प्रत्याशी मंच पर उपस्थित रहे। इटवा विधानसभा के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के मैदान में भारी भीड़ जुटी। अखिलेश यादव ने लोगों से सपा प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों का फ्री दवाई, फ्री जांच और उनका इलाज भी फ्री हो जाए, ऐसी यहाँ धान की और चावल की बहुत गुंजाइश है। हम संभावनाएं ढूंढेंगे और पहले भी मैंने मंडी के माध्यम से संभावनाएं ढूंढ करके इसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था की थी। सहारनपुर के अहमदबाग कॉलोनी के रहने वाले आदित्य राणा यूक्रेन के कीव में प्रोफेशनल लैंग्वेज का कोर्स करने गए थे। आदित्य राणा कल रात ही भारत वापस लौटे हैं। आदित्य ने बताया कि जिस वक्त उन्होंने फ्लाइट पकड़ने के 2 घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। भारत लौटकर आए अपने घर सहारनपुर पहुंचते ही आदित्य राणा ने बताते हुए कहा कि वहां पर अभी भी उनके काफी दोस्त कीव में फंसे हुए हैं, जिनकी उनको चिंता सता रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। और जब मैं वहाँ से चला तो मेरे सामने इमरजेंसी लग चुकी थी। जैसे ही मेरी वहाँ से फ्लाइट रवाना हुई, अगले 2 घंटे बाद उन्होंने रशिया के जो आर्मी थी उन्होंने यूक्रेन के एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया था। आपकी कब वहाँ से रवानगी थी और आप कब इंडिया पहुंचे? मैं 23 की रात को कह सकते हो इंडिया के चला था और 24 की सुबह को मैं यहाँ पे आ गया था। जी बिल्कुल, अभी तो देखिए जैसे जब मैं वहाँ पर था तब मेरे आगे इमरजेंसी लग चुकी थी। उससे पहले करीब 15 दिन से मेरे घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे थे कि भाई इंडिया वापस आ जाओ, पर मैं ये सोचता था कि नहीं अभी थोड़ा टाइम रुक जाऊँ। अभी यहाँ के हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि जो मेरे यार दोस्त लोकल थे वहाँ के यूक्रेनियंस थे वो ये कहते थे हमारे लिए 12-15 साल हो गए ये चल रहा है, ये नॉर्मल है, इतना बड़ा मामला नहीं बढ़ेगा। तो मैं भी कहीं ना कहीं लापरवाही करता रहा और जब मैं लास्ट पीक मोमेंट पर आया मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा, चूंकि जो मेरे यार दोस्त हैं, इनफैक्ट मेरा एक भांजा भी है वहाँ पर अभी, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है मैं रेगुलर उसके कांटेक्ट में हूँ, वो मेरे को ही पता है। और बाकी ये है कि वहाँ की जो आम जनता है उनको नहीं परेशान कर रहे वो, उनकी मिलिट्री का आपस का वो आम जनता को नहीं रोक रहे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। वो अपनी गाड़ी से खुद हंगरी बॉर्डर तक पहुँचा है, उम्मीद है थोड़ी बहुत ही देर में उसे एंट्री मिल जाए हंगरी की। 27 फरवरी यानी कल यूपी में 5वें चरण का चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कराने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। वहीं प्रेस वार्ता में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। आप भी सुनिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला का बयान।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के पंचम चरण में 61 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 27 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 12 जनपदों यथा अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती तथा गुड़ना में अवस्थित है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरटीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। ये मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां संगीत सीखने वाली एक महिला की इज्जत को उसी के संगीत गुरु ने तार तार कर दिया। महिला के आरोप है कि संगीत गुरु ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और बार बार बलात्कार किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है, साथ ही आरोपी संगीत गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपी जिसका नाम सुभाष है, जिसको फरीदाबाद से कल हमने अरेस्ट किया है, ये 22/2 का मुकदमा था। और ये मुकदमा था कि एक पीड़िता हमारे पास आई है जिसकी 40 साल की उम्र थी। वो काफ़ी दिनों से इस आरोपी से परेशान थी, क्योंकि वो उसको उसके पास इस पीड़िता के बहुत ही न्यूड फोटो और कुछ अश्लील वीडियो थी, जो कि इसने धमकी देकर ब्लैकमेल कर बना रखी थी। ये लड़का म्यूजिक टीचर का काम करता है और ये जब उस पीड़िता के घर पे जाता था तो उस टाइम उसके पति नहीं होते थे, वो काम पर होते थे। और उसने फिर एक दिन ज़बरदस्ती से उसके साथ रिलेशन बनाए हैं और फिर उसका बिना उसके नॉलेज के वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करने लग गया कि तुम मेरे साथ इस तरह से करो, नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे घर वालों के पास भेज दूँगा। पीड़िता का जो कहना है वो तो अब खुश है कि आपने इसको अरेस्ट कर लिया और बड़ी हिम्मत हमने उसको दी जब उसने मुकदमा दर्ज करवाया, तो पीड़िता खुश है क्योंकि वो उसको लगता था कि मुकदमा दर्ज होने से मेरी बदनामी हो जाएगी, लेकिन हमने जब उसकी काउंसलिंग की तो वो तैयार होगी। जो गाजियाबाद में शमशान बोर्ड हटाए जाने को लेकर हरसाव ग्रामवासियों ने नगर निगम का घेराव किया। इसी मामले को लेकर हरसाव ग्रामवासियों ने नगर निगम का घेराव किया है, जहां पर लगभग 4 घंटे नारेबाजी करते हुए आला अधिकारियों का इंतजार किया गया। ग्रामवासियों से मिलने गाजियाबाद नगर निगम अपर नगर आयुक्त धर्मेंद्र यादव मिलने पहुंचे। अपर नगर आयुक्त ने ग्रामीणों से मिलकर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और कार्रवाई के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी मांगी। मेरा नाम ओमपाल है, मैं हरसाव निवासी हूँ। नहीं, जो विरोध कर रही है, जो विरोध कर रहे हैं उसमें बलराम राठी और कौशिक, ये 3-4 आदमी है और कुछ अज्ञात हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं, ये पार्क बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे। देखो, जो स्थिति है आपकी, पूर्व की स्थिति है, जैसा भी होगा हम रखेंगे इस बात को, और जो भी नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। आपकी जो ये बात है जो आप कह रहे हैं, और इसको आपके किसी भी चीज में वो हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगर ये लगता है कि हाँ ये चीज पूर्व की स्थिति है तो बाहर करा दे। खबर श्रावस्ती से है, जहां काशीराम आवास में खाना बनाते समय गैस लीक हो गई, जिससे इस घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और आग लगने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई। बता दें कि युवती को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां युवती का इलाज चल रहा है। ये 2 लोग जले हैं, एक उनकी बहू है और एक लड़की है। हम लोग वहीं से आग वाग बुझाए हैं और दो लड़कियां ज़्यादा जली। वो गैस पे खाना बना रही थी, वहीं से आग लगी और जल गए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम यहीं काशीराम आवास में रहते हैं। अच्छा, हम लोग मौजूद थे वहीं पे।
और वहीं से आग लगी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने दो मासूम बच्चों का अपहरण कर लिया। पुलिस को सूचना मिलते ही छानबीन करके कुछ ही घंटों में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को सकुशल बरामद किया। बता दें कि महिला पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बच्चे ना 4 बजे गायब हो गया, और जब काम करके आया तो इसको खोजने के शुरू किया, मिलवे नहीं किया, पूरे में छान मारा, पूरे में जब 8 घंटा नहीं मिला थे, तो बाद में पुलिस से आया, पुलिस जब तब सब सब किया, तब जाके वो बहुत खोजने गई वहाँ, बच्चे के रेलवे पर रिपार छोड़ दिए। अच्छा, कौन ले गया था, कुछ पता चला आपको? एक लेडीज ले गई थी। हाँ। क्यों ले गई थी, वजह कुछ मतलब क्यों लगे थे? वो जब घुमाने गई है, बेचने के लिए थी क्या? बेच रहे थे क्या इनको? किस लिए लेकर गए? संग रहते हैं गांव से, आई 2 महीने से संग, भाई बच्चा छोड़ देते मेरे पास, जाते ही काम पर। यूपी लेकर गए थे इनको? यूपी कहाँ, बरेली भटक गए, दूसरे गाड़ी में बैठ। बरेली, बरेली क्यों लेकर गए थे बिना बताए? क्यों जाए, इनके मम्मी तो मेरे पास पढ़ के ज्यादा रोज काम करे ले। चलो चलो, हाँ बैठ। तो 24 घंटे से गायब रहे घर पर? 5 बजे निकले हम, जा रहे शिव मंदिर व्रत में, गाड़ी मिल गए, दूसरा ही चली गई। पुलिस ने पकड़ाया आपको? पछतावा है? नहीं, हमें अपने आई फरीदाबाद पहुँच के करीब रात के 11 बजे, 12 बजे बच्चे अपने को छोड़ के फिर बुढ़िया भाग गई। जो बच्चे सकुशल बरामद करके उसको और तलाश करेगी, लगभग 4-4:30 बजे उसको और हमने गिरफ्तार कराया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये बुढ़िया नाले के पास। तो क्या महिला ने बताया, जो महिला जो बच्चों को, मकसद क्या था? मकसद क्या था उसका? मकसद कुछ नहीं पता अभी, वो कुछ खुल के बताने जा रही है, तफ्तीश जारी है। कोई कहता बच्चों को बेचने फिराक में ले गई थी, कोई कह रही वो अपने साथ रखना चाहती हूँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते थे। उसके तो पहले ही 5 बच्चे हैं, उसके पहले ही 5 बच्चे हैं। तो आपको कहीं लगता नहीं क्या वही महिला किसी और नियत से, बेचने की नियत से ले गई थी? हो सकता है वो बेचने की नियत से भी ले गई, आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते बच्चों के, लेकिन हम तुरंत 24 घंटे पहले। फिरोजाबाद में 21 फरवरी को HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया, लूट के इरादे से बैंक कर्मी को गोली मारी गई थी। घटना में इस्तेमाल हुई बाइक और हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी महीने बसई महमूदपुर थाना क्षेत्र में HDFC बैंक जो कंपनी बाग के पास में है, वहाँ से शिवम नामक फील्ड ऑफिसर ऑफिस से निकल के अपने घर के लिए जा रहा था, तो फ्लाईओवर पार करने के कुछ देर चलने के बाद उसको अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हुआ। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के खुलासे के लिए, चूँकि ये घटना बड़ी अजीब टाइप की थी और एक बैंक कर्मी का इस तरह के हादसा हुआ था, यह बहुत ही सराहनीय तरीके से किए हुए कार्य का परिणाम है, टीम भावना का परिणाम है, जिसकी भूर प्रशंसा विभाग के द्वारा की गई है और SSV महोदय के द्वारा इनको उचित पारितोषिक की घोषणा की गई है। सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय के सियरा पर में शिक्षक की लापरवाही देखने को मिली है। जानकारी मिली है कि नाबालिग बच्चे को कमरे में बंद कर शिक्षक गायब हो गया। खेल कूद में कुछ बच्चों ने कमरे में रखे पानी की टंकी में कुछ बच्चों ने बंद कर दिया, तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर साथी बच्चों ने मदद की और पानी की टंकी से बाहर निकाला। बाद हुए बच्चे ने अपने माता पिता को आपबीती बताई। जानकारी मिलने पर परिजनों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा काटा। मामला की जानकारी के लिए हमने विद्यालय का निरीक्षण किया है लगभग 4 बजे, और मामले के लिए जो है उनकी मम्मी सीमा है और बच्चा अंकित है, जिस बच्चे के साथ ये घटना घटी थी, तो और बाकी बच्चे भी थे जो खेल रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि लंच के बाद जो है आइस पाइस खेल रहे थे, और उसमें 2 क्लास के बच्चे थे, शिवपाल और भी बच्चे थे, उन्होंने खेल खेलने बंद कर दिया था, फिर निकाल भी दिया था। और कोई मामला नहीं है जैसे किसी और के ऊपर दोषारोपण किया जा सके। ये बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएँ थी जो ये आई है सामने।
मैनपुरी की अलाऊ थाना क्षेत्र की पुलिस ने आज मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए आज जेल भेज दिया। वहीं उनके पास से एक चार पहिया गाड़ी भी बरामद की गई है, जिससे ये आरोपी घटना को अंजाम दिया करते थे। SP मैनपुरी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये काफी शातिर गिरोह था। पिछले दिनों मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की वारदातों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में फिर जनपद की सर्विलांस टीम और साइबर टीम प्रभारी और पूरी पुलिस की टीम लगी थी, तो उसके क्रम में इस तरह से पाया गया कि एक गिरोह है जो कि सक्रिय है और इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बाद में फिर अपने विभिन्न तरीकों के माध्यम से इनके पास तक हमारी टीम पहुंची और इसमें एक राजेश जो कि कासगंज का रहने वाला है, नौशाद जो कि हापुड़ का रहने वाला है, आकाश एटा का, ये 7 अदद बैटरी की चोरी की बैटरी, एक जो 4-व्हीलर गाड़ी जिसका यूज़ कर रहे थे और साथ में जो आर्म्स सभी के पास से ये इलीगल तमंचे और लगभग 26,300 रुपये जो चोरी का ये बैटरी चोरी वाली बैटरी बेच करके पैसे कमाते थे, टावरों से बैटरी चोरी करके और सस्ते दामों पर हरियाणा और दिल्ली के जो ठेकेदार हैं उनको बेचता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।